हेलो फ्रेंड्स, आई नो यू आर ऑलवेज फाइन एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, अभी फिर कोरोना की एक नई लेयर चाइना में आई है और उसने चाइना को बहुत नुकसान पहुंचाया और अभी कुछ केसेस अपने इंडिया में भी मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना से लड़ने के लिए हमको कौन से पोषण और फाइटोथेरेपेटिक सपोर्ट लेना है, कहाँ से लेना है और कैसे हमको ये प्राप्त होंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि कोविड-19 के खिलाफ कोई विशिष्ट मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। भगवान ना करे आप कभी संक्रमित हो, बट अगर होते हैं तो इस कंडीशन में आपको कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आगे चल के कोविड-19 के आपके थोड़े से भी लक्षण अगर दिखे, हल्के से भी, तो एक अच्छी न्यूट्रिशन डाइट आपके शरीर को एंटीवायरल और इम्यून सिस्टम इनके साथ मिलकर अपने दम पर सामना करने में मदद करते हैं। और मैं हूं आपका दोस्त सचिन। आइए शुरू करते हैं। टेक्सास A&M कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हुए एक शोध के अनुसार कोरोना CEDB6 कोरोना में लड़ने में सहायक है। इस शोध में ये दावा किया जा रहा है कि इन विटामिन के बिना कोरोना से लड़ना संभव नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन सी। अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि विटामिन सी किसको कितनी आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज़ाना 65-90 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जिन मरीजों को सर्दी और जुकाम होता है उनको 6-8 ग्राम विटामिन सी लेने से आराम मिल सकता है। अब आप बोलेंगे कि कौन सी चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा होती है, या तो आपको पता भी होगा। सबसे ज़्यादा है खट्टे फल जितना हो सकता है उतना खाइए। उसके बाद शिमला मिर्च, ब्रोकली, उसके बाद पालक, स्ट्रॉबेरी, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है, तो ये खाने से आपको विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा मिल सकती है। दोस्तों, अपना सेकेंड सप्लीमेंट है विटामिन डी। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए विटामिन डी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। शरीर में विटामिन डी की मात्रा अगर कम होती है तो शरीर में कई प्रकार के बीमारियों का खतरा हो सकता है। अब विटामिन डी किसको कितनी ज़रूरत होती है, मतलब कितना किसने कितना लेना चाहिए, ये देखते हैं। स्वस्थ लोगों को रोज़ाना 10 से 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी की रोज़ाना आवश्यकता होती है। अगर आपको सबसे बढ़िया विटामिन डी की कमी पूरी करनी है तो सबसे बढ़िया है कि आप धूप में 15 से 20 मिनट या 15 से 30 मिनट तक रोज़ाना बैठें। अब देखते हैं अपने पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आहार में शामिल करके हम विटामिन डी की कमी को पूरी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है गाय का दूध, उसके बाद दलिया भी आप खा सकते हो, उसके बाद संतरा भी आप दिन में अगर जितना हो सके एक दो संतरा अगर हो सके तो उसको खा के भी आप अपने विटामिन डी की पूरी कमी को पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों, अपना थर्ड सप्लीमेंट जो है वो है विटामिन ई। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है विटामिन ई सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर से लड़ने में बहुत सहायक होता है, और इसीलिए दोस्तों विटामिन ई कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बेस्ट और मददगार साबित हो सकता है। अभी देखते हैं विटामिन ई की किसको कितनी आवश्यकता होती है लेने की। दोस्तों, 15 साल के ऊपर वाले जितने भी वयस्क हैं उनको 15 मिलीग्राम विटामिन ई की डेली आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डेली 19 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अपना फोर्थ सप्लीमेंट है विटामिन B6। दोस्तों, विटामिन B6 अपनी इम्यून सिस्टम और अपनी याददाश्त को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन B6 एनीमिया के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों, ये देखते हैं कि विटामिन B6 किसको कितना आवश्यक होता है। दोस्तों, लेडीज़ के लिए दिन में 1.2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, और दोस्तों जेंट्स के लिए डेली 1.4 मिलीग्राम विटामिन B6 की ज़रूरत होती है। विटामिन B6 की कमी को पूरा करना है तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके पूरा कर सकते हैं, जैसे कि काबुली चना, आलू, केला, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें। ओके दोस्तों, ये थे कुछ सप्लीमेंट्स जो आपको कोरोना से लड़ाई में मदद करें। बट आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कौन से ब्रांड के सप्लीमेंट ले, और मतलब कौन में ऐसे अच्छे ब्रांड है जो हम सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं जिनके साइड इफेक्ट नहीं है और जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए हैं। मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप दिल से ये जानना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और मुझसे पूछें। मैं आपको 100% हेल्प करूँगा, मेरे टाइम से टाइम निकाल के आपको बताऊँगा।
तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक्स करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, क्योंकि मुझे पता है जो कोई आपके चाहने वाले हैं उनको आप ये वीडियो अपने आप ही शेयर करेंगे, क्योंकि हमें कोरोना से बचना भी है और दूसरों को बचाना भी है। भगवान करे आप हमेशा हेल्दी रहे और वेल्दी रहे। थैंक्स टू यू वॉच माई वीडियो। ओके बाय।